तो इसमें से मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपनी मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी पद के और लालच में। राजस्थान की राजनीति जो एक अलग ही रूप रोज नया लेकर के आती है, और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दूं, पिछले काफी लंबे समय से सचिन पायलट गुट के विधायक और बाकी गुट के विधायकों के बीच में लगातार घमासान चल रहा था, और इस घमासान के बीच में बसपा के विधायक खुद कूदते हुए नजर आए थे। बसपा के विधायक इस घमासान के अंदर कूद तो गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आखिरकार क्या उन पर घुसरेगी। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अब जो बसपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, उन्होंने कहा है कि जो विधायक जो बसपा के विधायक हैं, वह सचिन पायलट गुट के जो विधायकों को गद्दार बता रहे हैं, वह खुद असली गद्दार है, क्योंकि उन्होंने ही बसपा की पार्टी छोड़ी और बसपा की पार्टी छोड़ने के बाद में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये खुद गद्दारी वाला काम है, अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे की पार्टी को ज्वाइन करना। तो उनको किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि वह दूसरी पार्टी के विधायकों को गद्दार बोले। लेकिन इसी को लेकर के और क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए छह विधायकों ने पीसी करके जो है कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है, और कुछ विधायकों को उन्होंने गद्दार की संज्ञा दी कि उन्होंने बगावत करके और गद्दारी पार्टी के साथ की, कांग्रेस के साथ की। इस विषय में मेरा ये कहना है कि ये छह विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध के आधार में ये लोग चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने छह की छह ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और ये आज कांग्रेस के उन विधायकों पर गद्दार होने का आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई की थी। तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपनी मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी पद के और लालच में। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो लोग अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ जिन लोगों ने दगा किया, वो अपनी पार्टी के नहीं हुए, तो वो दूसरे दल से कैसे मफाद की उम्मीद कर सकते हैं। और खास ही मैं इस विषय में ये भी कहना चाहूँगा कि छः की छः विधायकों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 7 मई को जो है इसकी सुनवाई होनी थी, नोटिस तामील हो चुके हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में कई कर्मचारियों को कोरोना होने के कारण जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि शायद जुलाई के प्रथम वीक में ही उस पर सुनवाई होगी और इन छः की छः विधायकों की सदस्यता समाप्त होगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी ये कहना है कि इन विधायकों को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है।